वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, और मेरी दुआओं से आप ठीक हैं। ये मेरा छोटू लवर है जी, लैपटॉप कंप्यूटर का, तो उसी को लेके बैठा हुआ मैं कि चलो आप बैठो, मैं बातें करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैं उस दिन शॉपिंग करके आई थी, थोड़ा सा व्यू उसका दिखाती हूँ। ये मैंने मटन लेंस जो की थी, मीन ये 2 पाउंड और 50 का आया था उबैदुल्ला की शर्ट, तो उस दिन दिखा नहीं पाई थी, तो मैंने कहा चलो आज दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा व्यू। इस तरह से ये लिया था मैंने, इसके साथ इंस्टा के लिए मैंने कुछ शूज़ लिए थे, मीन जैसे ओकेजन या पार्टी शूज़ ये चाहिए थे, नहीं थे तो ये 5 पाउंड में मुझे इजीली मिल गए थे। और इसके साथ ही मैंने क्या लिया था, ये वाला हेयर बैंड लिया था, लेकिन ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये मुझे 6 पाउंड का मिला, मुझे भी पता नहीं क्या हो गया था, मुझे चाहिए था, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं रिटर्न करूँगी इंशाल्लाह। और ये जी कप है, ये 150 पाउंड में मिला मुझे, और ये इयर रिंग्स है ये 2 पाउंड में मिले, कि चलो कोई बात नहीं। एंड इसके साथ ही मैंने लिया था जो मुझे हेलो होता है कि मुझे चाहिए होता है, ये वहाँ पे 1 पाउंड का चॉपिंग बोर्ड था जो कि मैंने इंशा के लिए लिया, क्योंकि समझे वो भी कहते कि मम्मा मैंने थोड़ा सा कुछ करना है, तो मैं कहा चलो इस बेटर आइडिया। पिंक एक ब्लू में था एंड पिंक में था, न्यू थिंग्स आई हुई थी BM में, तो मैंने ये BM से लिया था, तो नाइस मिल गया था, नाइस प्राइस पे बहुत सारी न्यू थिंग्स आई हुई थी। एंड ये मैंने हेडबैंड लिया था अपने लिए, क्योंकि जब फिश वगैरह करती हूँ तो मुझे चाहिए था थोड़ा सा कवर वगैरह हो जाते हैं हेयर इस तरह से, ये भी बहुत नाइस था, ये भी मुझे 1 पाउंड में ही मिल गया था। और मुझे ये वाला जो कोको रेडियंट, अच्छा मैं जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लूँ इसकी बात अपनी ही है, ये इंशा को भी यूज़ करवाती हूँ मैं भी, और इसकी जो फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। वहाँ मुझे नेल पेंट अच्छी लगी थी, नाइस 1 लीटर वाली, तो मैंने वो उठा ली, मैंने कहा चल यू नो जहाँ मुझे थोड़ा सा कुछ अच्छा लगता तो मैं उठा लेती हूँ। तो यहाँ ये जो मुझे नहीं चाहिए था वो मुझे मिला नहीं, और मैं शैम्पू वगैरह ढूंढ रही थी वो भी मुझे नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे मुझे ये नज़र आया विटामिन सी ग्लो ग्लो रेडियंस, मीन ग्लो स्किन के लिए ब्राइटनिंग कॉम्प्लेक्शन स्किन अपीयर्स मोर इवन, तो ये मुझे नज़र आया, क्योंकि अच्छा पहले वैसे ये चीज़ें नहीं होती थी जी, अब चीज़ें स्किन की ड्रॉप्स हैं, ये है वो है वो है ये है, बहुत सारी थिंग्स आ गई हैं, तो ये मुझे सही लगा, क्योंकि इसमें मैंने इंग्रेडिएंट्स भी पढ़े तो उसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं था बैड थिंग, तो मुझे अच्छा लगा, मैं कि चलो मैं ट्राई करती हूँ विटामिन सी ड्रॉप्स जो मीन यूज़ करते हैं समटाइम, तो वो वाला विटामिन सी मैंने ले लिया, मैं कि चलो ट्राई करती हूँ, नहीं तो देखूँगी। बस ये सब कुछ लिया मैंने, इसके साथ ही मुझे एक टिंट मेरे पास था, एक और एक्स्ट्रा चाहिए था मुझे, मैंने इसीलिए स्पेशल गई थी, ये मैंने 1 पाउंड का ये वाला ले लिया केक टिंट, तो नाइस सा इजी खुल भी ओपन भी हो जाता है, तो इज बेटर। तो ये कुछ मार्टलन से लिए, कुछ यहाँ से लिया, तो यहाँ ये वाला मुझे BM से नज़र आया था, जैसे होता है कि स्नैक्स टाइप या सॉस टाइप्स ये यूज़ करते हैं, ये मुझे बहुत पसंद आया, जस्ट 5 पाउंड का था, तो मुझे स्टाइल भी इसका अच्छा लगा, तो यू नो क्रॉकरी मुझे बहुत पसंद है, तो ये फिर मैंने उठा ली, मैं चलो जी ये भी लेती हूँ, इंशाल्लाह ताला कुछ प्लान है कुछ करने का, तो न्यू थिंग हो तो मज़ा ही आ जाता। इसके साथ यू नो मेरे हस्बैंड की बर्थडे भी है, तो उसकी सेलिब्रेशन वगैरह मैंने करनी है सब कुछ, तो इसके साथ ही मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे प्लान किया सेलिब्रेशन करने के लिए, सरप्राइज़ के लिए कैसे प्लान किया, और किस वेबसाइट पे जाके प्लान किया, और किस तरह से यू नो इस इजी नहीं होता लेकिन करना पड़ता है, तो इस तरह से इस दफ़ा मेरा मैंने ओपन किया है गूगल जी, गूगल में है जी इन्फ्लेटेड पांडा, तो इन्हों क्या ये है इवेंट बैनर भी हैं, इनके पास पर्सनलाइज्ड बलून्स भी हैं, फेवरेट डेकोरेटिंग भी करते हैं, तो बहुत मज़े के इनके पास हैं, मीन ये सब कुछ करते हैं, डेकोरेटिंग किसी ने करनी है, वॉल वगैरह करवानी है, बलून्स हैं हर तरह के, एवरी टाइप के इनके पास सब कुछ पड़ा है, तो मैंने कहा चलो इनको मैं चेक करती हूँ कैसा रहता है एक्सपीरियंस, तो देखूँगी आपको ज़रूर बताऊंगी कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ ही। ये मीन इन्फ्लेटिन पांडा, ये इनकी वेबसाइट है लेकिन वेबसाइट पे इतना भी नहीं है, इंस्टाग्राम पेज पे जाएंगे तो आप फॉलो करेंगे तो सब कुछ आपको नज़र आ जाएगा, तो बहुत इजी सा है। अच्छा, इसके साथ ही फिर मैंने मटलन से कुछ शॉपिंग करनी थी वैदुल्ला की, जो कि समटाइम होता है कि मतलब शॉप में नहीं मिलता है तो ऑनलाइन मिल जाता है, जो ऑनलाइन नहीं मिलता वो शॉप में मिल जाता है, तक तो सब कुछ ऑनलाइन ही चलेगा अब इंशाल्लाह, अगले फ्यूचर में देखना ऑनलाइन ही सब कुछ होगा। तो यहाँ मुझे बैदला के लिए कुछ चाहिए था, वही मैं देख रही थी ढूंढ रही थी, कोई साइज़ नहीं अवेलेबल था, कोई कलर नहीं था, तो चेक ही कर रही थी मैं कि चलो क्या करती हूँ देखती हूँ जो जो मुझे चाहिए तो आ जाएगा फिर जल्दी ही। लॉकडाउन की वजह से कभी लेट भी हो जाता है अर्ली भी हो जाता है, तो मैंने फिर ये
500 ही बिफोर कर दिया था ऑर्डर, तो मैंने कहा चलो आपको शेयर करती हूँ इस तरह से प्लान मैंने किस तरह से किया, वो भी ऑर्डर कर दिया है, कपड़े भी ऑर्डर कर दिए हैं। लेट्स सी क्या होता है। कल सेलिब्रेशन है तो आज मैंने कहा कुछ काम वगैरह कर लूँ, इंशरा भी घर पे है तो उसके साथ मिलके मैं डाइनिंग टेबल वगैरह क्लीन कर रही हूँ ताकि प्रिपेयर कर सकूँ सब कुछ। थोड़ा सा स्टिकी वगैरह भी हो जाता है, बच्चे वगैरह क्राफ्टिंग वगैरह करते हैं या कोई मैस वगैरह कर देते हैं। मैंने कहा चलो ये तो हो जाएगा, अर्ली जल्दी से रूम वगैरह थोड़ा क्लीन करती हूँ ताकि मुझे कल कोई प्रॉब्लम ना हो। यू नो जब हम कुछ करते हैं, कोई प्लान वगैरह करते हैं, कोई सेलिब्रेशन करते हैं, तो बहुत सारा एफर्ट होता है और बहुत सारा कुछ किया जाता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो कुछ काम मैं आज करके रख लूँ, कुछ काम यू नो फिर छोटे बेबी के साथ भी थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, उसको भी देखना है, ये भी देखना, उसको देखना। तो शुक्र जी इंशा थी माशाल्लाह वही मेरी हेल्प कर रही है, बहुत शौक से करती है माशाल्लाह, बहुत शौक से खुद कहती है मम्मा मैंने हेल्प करनी है, मम्मा मैंने हेल्प करनी है। हाँ सम टाइम किचन में भी आती है लेकिन वो मैं डरती हूँ, सम टाइम बच्चे मैस वगैरह कर देते हैं तो ठीक रहता है। ये मेरे पास पॉइंट था तो मैंने कहा चलो इसके साथ ईजी हो जाएगा। ये है कि प्लास्टिक पे ग्लू वगैरह बच्चों ने लगाई है सम टाइम क्राफ्टिंग करते हुए, तो वो प्लास्टिक और तरह होगी। अब मैं इंशाल्लाह जाऊँगी तो इंशाल्लाह और लेके आऊँगी, बस ऐसे ही है क्या करें। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये चेयर जिस तरह से है और इसके लास्ट ईयर ही मैंने इसके ऊपर प्लास्टिक लगवाई है, मीन प्लेन प्लास्टिक जो होती है वो वाले जैसे टेबल पे है उसी तरह की मैंने ले के, मुझे आइडिया आया मैंने कहा ये क्योंकि मैली हो जाती हैं, स्टेन वगैरह लग जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है क्लीन करना, तो फिर मैंने इनके ऊपर प्लास्टिक इस तरह से फिटेड कर दी है, तो ये बहुत ईजी मीन कवर वगैरह लेने के बजाय मैंने ये आइडिया आया, हस्बैंड को मेरा आइडिया तो आइडिया काम कर गया, बहुत ईजी रहता है क्लीन करना। तो मैंने कहा चलो अब टेबल क्लीन किया है तो फिर विंडो भी क्लीन कर लूँ, मैं ऐसी ही हूँ सब कुछ ही क्लीन कर लूँ ताकि नीट हो जाए, मीन यू नो क्योंकि ये सिटिंग रूम के साथ है तो इसमें अम्मी ज़्यादा होती हैं, वो अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ती हैं, ये करती हैं वो करती हैं, तो वैसे ये थोड़ा काफ़ी चेंज भी होने वाला है, लेकिन यू नो मैंने आपको जैसे कि बताया है बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, इंशाल्लाह ताला ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे टर्न बाय टर्न। इंशा मेरी सॉरी ईशा मेरी हेल्प कर रही है तो कुछ क्लीनिंग करने में, वैक्यूम करने में, सो डस्ट कूट मेरा जल्दी काम हो जाएगा आज तो कम से कम फ़ायदा तो हुआ किसी के घर होने का, तो मैं कह चलो सारा ही क्लीन कर देती हूँ। यू नो बच्चे वगैरह थोड़ा सा मैसअप कर देते हैं या इस तरह से तो अम्मी भी नहीं कर पाती हैं तो फिर मैं ही करती हूँ, इस तरह महीने बाद कम से कम डीपली क्लीनिंग वगैरह, डीप क्लीनिंग ही समझे होगी क्योंकि मैंने टेबल के नीचे से सारा किया है, मीन सोफे से टेबल के नीचे से मीन एवरीथिंग। मैंने कहा चलो अब कर रही हूँ तो सारा ही कर लूँ क्योंकि मैंने ही करना है, तो मैंने कहा चलो अभी कर लेती हूँ, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। यू नो बेबी भी खेलता है, प्ले वगैरह करते हैं तो अच्छा है। इंशा ने मेरे वैसे बहुत हेल्प की माशाल्लाह, वैक्यूम इतने शौक से करती है, ये बहुत हैवी ईजी लाइट सा वेट है इसका, तो मैं कहा चलो इसी बार मेरी हेल्प हो जाती है, तो थैंक गॉड ये तो काम फिनिश हो रहा है नियरली, तो मैं फिर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करती हूँ इंशाल्लाह ताला, आपके साथ भी शेयर करूँगी। और आई थिंक आज मैं बहुत थकने वाली, बहुत थकने वाली हूँ, और इसके साथ शुक्र है ये हो गया। और अब मेरी ये चेक करें इस तरह किस किस के साथ होता है ये मुझे बताएं, अंदर से स्किन के अंदर जाके नेल कट हो गया, मीन कट सा लग गया है और वो नेल मीन एक टूट गया और इतना इरिटेट करता है कसम से और इतना हर्ट करता है क्योंकि वो बहुत अंदर से हुआ है तो बहुत हर्ट करता है। मैं तो जा रही हूँ उसको कटिंग करने, कसम से स्टुक होता रहता है बार बार जी। मैं अब आई हूँ किचन में जी प्रिपरेशन करने, क्या देखें हाल मेरा जी, मैं करने वाली हूँ जी केक बेक, केक एंड बेक, तो जी मेरे साथ रहें केक एंड बेक में तो मैंने कहा चलो जी केक बनाते हैं क्योंकि केक शेक मैं ही बनाने वाली हूँ, उसकी सारी चीज़ें वगैरह इंग्रेडिएंट्स वगैरह मैंने निकाल लिए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ, और मैं जी होने वाली हूँ स्टार्ट क्योंकि ये देखें। और हाँ एक बात, केक बेक करना इतना मुश्किल नहीं है, एक तो इंग्रेडिएंट्स मीन उनको वेट कर करके करना कि क्यों कितने क्वांटिटी होनी चाहिए, ये डिज़र्ट में बहुत मेन थिंग है बेकिंग करने में, और दूसरा ये कि बर्तन बहुत बनते हैं, बर्तन मैस बहुत बनता है और बहुत मेहनत का काम है, तो ये बेकिंग मैंने रिसेंटली ही स्टार्ट की है समर में, आई थिंक समर में ही है, और मैं पहले नहीं करती थी, मैंने कहा चलो अपने लिए घर में अपने लिए तो कर सकती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ घर में जो कुछ हो तो अच्छा लगता है, मीन नॉट अ बैड आइडिया। तो यहाँ पे मैंने खशका सॉरी वो गनाश गनाश बना ली मुझे वर्ड मिक्सअप हो जाता है, गनाश बना रही हूँ, केक वगैरह मैंने ओवन में रख दिए हैं उनका मिक्सचर डाल के साथ साथ, और कभी फुल रेसिपी केक की मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि आज तो कसम से जल्दी जल्दी मैं सब कुछ कर रही हूँ, क्रीम भी डन हो गई है सब कुछ, तो ये मैं अब बस बना के रख दूँगी,
स्पंजेस वगैरह मैंने रेडी करके रख दूँगी, क्रीम वगैरह भी और चॉकलेट गनाश वगैरह भी, तो सुबह इनको मैं डेकोरेट करूँगी इंशाल्लाह ताला। सुबह उठ के जल्दी से डेकोरेट करूँगी इनको इस तरह से, इनके सब बंद करके। इसको फ्रिज में तो नहीं, मैं बाहर ही रखूँगी क्योंकि कोल्ड तो ऑलरेडी है। मैं सुबह अर्ली उठ जाऊँगी क्योंकि जब कुछ करना होता है ना मुझे नींद नहीं आती कसम से। और इस तरह से मैंने आपसे शेयर किया कि प्रिपेयर वगैरह मैंने कैसे किया, किस तरह से किया, क्या प्लान था। ये है कि सब कुछ मैंने शुक्र है ऑर्डर किया हुआ है, तो उसकी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मीन मेरा ज़्यादा बर्डन नहीं है, वो ऑर्डर किया हुआ है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा आपको बताती हूँ कि अब मैं जा रही हूँ ताकि सुबह जल्दी उठ के आ सकूँ। यू नो वैसे भी जो कुछ करना हो तो फिर नींद कहाँ आती है। तो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड फॉर टुमारो, टुमारो माई स्पेशल डे। सुबह सुबह मैं आ चुकी हूँ और मैं कार्ड लिखना गाइस भूल गई थी, देखो मेरा हाल। और मैं कह चलो हूँ मैं कार्ड भी लिख लें जल्दी जल्दी, कार्ड लिखा थोड़ा बहुत। और ये देखे जी मेरा हाल, फ्रॉम मी योर वाइफी एंड टू अडोरेबल किड्स। बच्चों को भी खुश रखना होता है ना, क्या करें मदर। मैंने कहा चलो, क्योंकि छोटू तंग कर रहा था। और मेरा किचन का हाल देखे, किचन में आई हूँ, ये बेकिंग का हाल, बेकिंग करें ना तो ये सब कुछ मैस होता है मीन, और धोना भी थोड़ा मुश्किल हो, तो वो जल्दी से वॉश किया है, बच्चों को रेडी किया है, बच्चे रेडी है माशाल्लाह। और मैं आई हूँ जी नाइस ना ऐसा गॉज जैसा रेडी होती हूँ, क्योंकि जो स्पेशल रेडी होते होना होता है मैंने, मुझे 1 आवर कम अज़ कम लगता है, या हाफ आवर कम अज़ कम, हाफ आवर वैसे हम लाइट सा होते हैं, जब स्पेशल होती है तो ज़्यादा होता। मैं नीचे आई हूँ, मैंने कहा बच्चे कहीं उधम ही ना मचा रहे हो, शुक्र है कुछ नहीं कर रहे, बलून के साथ प्ले कर रहे हैं। ये देखिए नाइस सा हार्ट है ऊपर, बलून के ऊपर इंशा ने लिखवाया था कि हैप्पी बर्थडे पापा जी। तो छोटू और दोनों खेरे माशाल्लाह रेडी हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह जी। यहाँ है मेरा केक रेडी सरप्राइज़। ये देखें जी, मैंने एक केक नहीं दो केक बनाए थे माशाल्लाह, वो भी मिनी मिनी साइज़ के, 1 चॉकलेट एंड 1 कोकोनट क्रीम 1, कि जो भी खाना हुआ खा लेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि ये हैप्पी बर्थडे वाला बैनर, 2 बलून्स मीन इस तरह से 2 बलून्स मैंने इन्फ्लेटेड पांडा से मंगवाए थे, जो कि टाइम पे आए और बहुत अच्छा लगा मुझे उनका, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और बहुत ही अच्छा बना के दिया मुझे, मैं उनसे बहुत इंप्रेस हुई हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने कहा दिखा दूँ आपको प्रेजेंट कैसे किया मैंने टेबल को, इस तरह से मैंने यहाँ पे केक रखा है, साथ में ये देखिए ये मैंने बास्केट बनवाई जिसके अंदर फ्लावर लगा के अंदर चॉकलेट पॉप्स हैं, एंड ऊपर और गांजा का रिबन है, एंड ऊपर इनका स्पेशली बलून के ऊपर लिखा होता है लोगो इन्फ्लेटेड पांडा, तो नाइस लगता है इस तरह से। हैप्पी बर्थडे या हैप्पी एनिवर्सरी जिगर लिखवाया है मैंने, जो कि वो देख के बहुत हैप्पी होने वाले हैं। और ये मैंने जो कि लिया था प्राइमार्क से, उसमें छोटी सी मैंने कैंडल्स रख दी है, तो बहुत ही प्यारा नाइस लग रहा है, उसके ऊपर ग्लिटर डाल के इस तरह से ये रखा है मैंने, और थोड़ा सा नाइस सा प्रेजेंट किया है इस तरह से। अच्छा ये मुझे बहुत प्यारा लगा है माशाल्लाह, मैं दूसरा भी यूज़ करना चाह रही थी लेकिन वो मैंने नहीं किया, मैं ज़्यादा भी नहीं करना चाहती। साथ में गिफ्ट्स भी मैंने रख दिए हैं इस तरह से, टेबल हो गया रेडी, हस्बैंड को बुलाया है जी। ये वाकई बिल्कुल इनके लिए सरप्राइज़ था, इनको बिल्कुल नहीं पता था, लास्ट नाइट ही मैंने इनको इन्विटेशन दिया था कि आप लोगों ने बच्चों के साथ आना है, तो वो आ गए और इतना हैरान हो रहे, शॉक्ड हो गए माशाल्लाह, टोटली सरप्राइज। एंड ये बर्थडे इनके मैंने फर्स्ट एंड लास्ट टाइम किया, क्योंकि ना पहले कभी किया है ना ही बाद में, कर दिल था इनको हैप्पी फील करवाने का। यू नो जब हस्बैंड हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, माशाल्लाह हमारे पास जो ये सब कुछ है वो हस्बैंड का दिया हुआ है, तो है तो उनको अच्छा फील करवाना, ट्रीट करवाना, सब कुछ हमारे हक बनता है, हमारा राइट बनता है, तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड थी माशाल्लाह, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और खाना मैंने घर पर नहीं बनाया था, यू नो केक वगैरह बनाया था, तो ये मैंने बाहर से ही मंगवा लिया था, आई मीन पिज़्ज़ा वगैरह, विंग्स वगैरह एंड चरगा वगैरह। तो ये फिर हम घर पे अभी बुफे स्टाइल में मैंने इस तरह से रख दिया है, सॉस वगैरह भी, तो कोक वगैरह भी, पानी वगैरह भी, तो अब हम इंजॉय करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, हाँ गिफ्ट्स वगैरह मैंने क्या हस्बैंड को दिया या हस्बैंड ने मुझे क्या दिया एनिवर्सरी गिफ्ट, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये हमारा बहुत था माशाल्लाह सेलिब्रेशन टाइम, तो अच्छे अच्छे मोमेंट्स आते रहे तो आपको ज़रूर शेयर करूँगी मैं, मुझे शेयर करके बहुत ही अच्छा लगा जी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे न्यू बातों के साथ, न्यू